राम जी की मैं बात करूं, मैं तो बचपन से उनका फॉलोवर्स हूं। सर, जैसे कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहिए, तो आप क्या इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में हूं। तहे दिल से समर्थन में उसका इस्तकबाल करता हूं। ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश की मानवता नैतिकता को बर्बाद कर, कौन है वो? पहचान ही ना सर। एक सत्ता सच्चा सनातनी वो कभी अगर अपने हिंदू धर्म को मानता है तो किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी के साथ कर ही नहीं सकता। अगर मैं एक सनातनी का सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता हूँ, तो मैं भी सम्मान नहीं पा सकता। ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो बहुत ही सरगर्मी के साथ देश में चल रहा है। जी हाँ, मुद्दा है एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कुछ बयान दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में वो बयान ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह है, हमें उन्हें जड़ से खत्म करना है। उसी के बारे में आज हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके विचार कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद अंसारी है और मैं अमन भारती ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो अंसारी साहब, आपको क्या लगता है, उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए हैं, देश में जो अलग अलग तरह की भावनाएं लोगों में भड़क रही हैं, तो क्या वो बयान सही है? देखो, ये जो सनातन प्रवृत्ति है, जो हिंदू कल्चर है, हजारों साल हो गए, जगनासुर ये सुर आए, रावण आया, बहुत सारे लोग आए और आके चले गए, ये आज भी यही है और पलती फूलती रहेगी। उसके जैसे लोग जो है ना, वो स्टालिन का जो बेटा जिसका नाम बता रहे हैं, ऐसे हजारों लोग आए और आके चले गए, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो खुद मिट जाएंगे, वो सनातन को नहीं मिटा पाएंगे, यहाँ तक कि एक इंच भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया, और हमारे यहाँ जो सादरा भास हॉस्पिटल है उसमें उनको भर्ती करा देना चाहिए और डॉक्टर जांच करेंगे तो शायद पता लगेगा उनको बीमारी क्या है। क्या लगता है, सनातन धर्म क्या इतना ज्यादा रौद्र रूप रखता है, क्या इतना ज्यादा भड़काऊ भाषण देता है कि लोगों को दूसरे धर्म को टारगेट किया जाए? देखो सुनो, कोई भी धर्म हो, अगर मैं अपने धर्म की बात करूं, मैं मुस्लिम हूं, तो सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं। कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, जो सच्चा ईमानदार आदमी होगा वो गलत बात नहीं कहेगा। सनातन धर्म को ज्यादातर टारगेट क्यों किया जाता है? गलत है। अपने आप को चमकाने के लिए चुनाव हो रहा है, अपना अपने जो वोटरों को पक्का करने के लिए। लेकिन मैं इसका कंडेम करता हूँ और मैं कड़े शब्दों से भर्त्सना करता हूँ। उनको माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए, और जितने भी करोड़ों करोड़ों सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। आप मुस्लिम हैं, आपके विचारधारा कैसी है सनातन धर्म को लेके, क्या और ऐसी विचारधारा क्या सभी लोगों की होनी चाहिए? देखो सर, मैंने आपसे पहले कहा, देखो मैं अगर बात करूं, मेरा नाम रोशन अंसारी, मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करता हूं, और जो मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका ये कहना है कि अगर तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें सम्मान कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं एक सनातनी का सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता हूं, तो मैं भी सम्मान नहीं पा सकता, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरे देशों में देखा जाता है कि हालत बहुत खस्ता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में रहने के बाद भी लोगों के मन में संतुष्टि नहीं है, वो संतुष्टि क्यों नहीं है लोगों के मन में? आप जैसे विचार क्यों नहीं है उनके? मतलब कुछ लोग हैं, मैंने भी क्या कहा, एक सत्ता सच्चा सनातनी वो कभी अगर अपने हिंदू धर्म को मानता है तो किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, किसी के साथ कर ही नहीं सकता। अगर वो अपने धर्म को अच्छे से मानता है तो दूसरे के साथ वो गलत कर ही नहीं सकता। एक सच्चा मुसलमान, उसका क्या धर्म क्या कहता है? सच्चा धर्म, जैसे मैं भारत में रहता हूँ तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है इस भारत को, वर्ष को सुरक्षित करना, इसके द्वारा आने वाली किसी परेशानी को दूर करना, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अच्छा, ऐसी विचारधारा रखते हैं। अगर मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, अगर मैं धर्म को इस्लाम को फॉलो करता हूँ, अगर देश को फॉलो नहीं करता, देश को फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं नर्क में जाऊँगा, जन्नत में नहीं जा सकता हूँ। तो ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये कौन लोग होते हैं? देखो मेरी बात है, इंसानों में गंदी नस्ल भी होती है। इंसानों में गंदी नस्ल भी होती है, वो समझ लीजिए, मैं क्यों उस बात को खुल के नहीं बोल सकता, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, तो एक चैनल पे हूँ, उन शब्दों का वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं। जैसे रावण को वो तीन लोग के, वो उसको बहुत घमंड था कि तीनों लोगों में मेरा शासन चलता है, सब मुझसे डर तक कांपते हैं, लेकिन क्या हुआ? सर, जैसे कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना चाहिए, तो आप क्या इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में हूँ। तहे दिल से समर्थन में उसका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन उसमें मेरी एक जिज्ञासा है, जिज्ञासा ये है कि इसमें हिंदू राजा में तो हिंदू में तो धर्म में तो राजा होता है, संस्कृति में
तो जो हमारे देश में लगभग 5,000 पार्टियां रजिस्टर्ड है, मुकबल हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके अंदर 5,000 पार्टियां रजिस्टर्ड है। उनका कहना है कि सब कुछ वैसे चलेगा जैसे अब चल रहा है, बस भारत को हिंदू राष्ट्र। ये तो फिर गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ है, ये आप ही समझिए। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, अब कह रहे हैं ऐसे चलने दिए, तो फिर तो ये गलत है, मैं तो नहीं मान सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, उस समय पर लोकतंत्र नहीं हुआ करता था। आप जो व्याख्या बताइए, आप हिंदू राष्ट्र कैसे चाहते हैं, मतलब किस तरह से चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? मतलब कहना है कि हिंदू राष्ट्र ऐसे बन रहा है कि केवल जैसे ज्यादातर हिंदू है तो इसलिए हम इसे हिंदू राष्ट्र की उपाधि देंगे, बाकी सारे धर्मों का सेम सम्मान किया जाएगा, वैसे ही रखा जाएगा जैसे वो हैं, कोई भी उनके साथ कोताही नहीं बरती। मेरी बातों सुनो, इस देश में 32 मुख्यमंत्री हिंदू, ठीक है ना, तीनों सेनाओं के जो जनरल वो हिंदू, लगभग 95% जज हिंदू, पुलिस 95% हिंदू। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कहा कि आपका अभिनंदन है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आपका अभिनंदन है, लेकिन आप अपनी जिज्ञासा बताइए किस तरह से। अभी जैसे मैंने देखा, अब क्या कहूँ मैं हिंदू राष्ट्र को, एक मणिपुर में एक महिला के साथ मतलब बलात्कार हुआ, और वो मेजर था, आर्मी मेजर था, शायद सिपाही तो था, आर्मी से थे, जो मैं पद नहीं जानता उनका। उन्होंने क्या शब्द कहे, आप भी डूब के मर जाने का मन करेगा आपका भी। उन्होंने कहा कि मैंने कारगिल तो बचा लिया लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकता। अब कारगिल को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एक आर्मी मैन की थी, और यहाँ जिम्मेदारी किसकी थी? शासन प्रशासन हम आम लोगों की थी। तो सोचिए कि आपको न्याय जिज्ञासा नहीं आई, लज्जा नहीं आएगी? क्या शब्द कहे उन्होंने शब्द कहे कि मैंने देश को तो बचा लिया लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकता। ऐसे कौन से लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश की मानवता नैतिकता को बर्बाद कर, कौन है बोलो, पहचान ही ना सर। अरे राम जी की मैं बात करूँ, मैं तो बचपन से उनका फॉलोवर्स हूँ, हमारे प्रधानमंत्री तो कपड़ों से पहचानते हैं ना, तो उनको पहचान लीजिए फिर, और लाइए सरे राह। इतने कोड़े मारिए, इतने कोड़े हैं कि उनकी हड्डी भी टूट जाए, और वो कहे, और जो उनको देखने वाले वो कहे कि हम कोई भी गलत काम मानते हैं कि इस तरह की घटना अगर कोई भी करता है उनके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, आप आरपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, अब बात आती 302 की, तो क्या लिखा उसमें? ये 302 भारत के लोगों के लिए, क्या लिखा सर? ये 302 धारा भारत के लोगों के लिए, कहीं नहीं लिखा हिंदू, आप चाहे हिंदू से कोई भी हो, क्या लिखा है? 302 भारत के लोगों के लिए। तो ठीक है, करिए इंसाफ, पता मन में शंका कब होती है। ये भी कहा जा रहा है कि उसी चीजों को चलते हुए पहले जो कानून में कुछ ऐसे नियम थे जिनकी वैसे सख्ती नहीं कर पाते थे, अब इसीलिए कुछ धाराएं भी चेंज करी। हाँ, अच्छी बात है, आपका अभिनंदन है। अगर कोई धारा लचर है और हमें लगता है उसको स्ट्रांग करना चाहिए तो शौक से कीजिए, आपका अभिनंदन है। देश के अंदर सारे वो काम होने चाहिए जिनसे सांप्रदाय की भावना ना। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मन में नहीं, योग बहुत से काम अच्छे भी, ऐसी बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉयज हूँ या मैं एक पत्रकार भी हूँ तो सारे काम तो गलत नहीं कर सकता, कुछ अच्छे भी करूँगा। और दूसरी बात, मन मर्जी काम आता कोई नहीं कर सका, किसी की महत्वाकांक्षा आज तक किसी ने पूरी नहीं की, चाहे राहुल गांधी आ जाओ वो भी पूरी नहीं कर सकते, कोई और आ जाओ वो भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक काम अच्छा हुआ, ये भी ठीक है। आखिरी सवाल आपसे कि सबसे बेस्ट फिर कौन है, अगर आपको लगता है कि सब सारे काम कौन बेस्ट कर सकता है, कौन बेस्ट प्रधानमंत्री जी ने बेहतर किए हैं, लेकिन क्या है ना कुछ, अभी मेरी बात सुनिए ना, अब ये मणिपुर में भी हिंसा हुई, नू में भी हुई, यूपी में हुई, जब नू में और यूपी में बुलडोजर चल सकता है तो वो नहीं चल सकता? आप ये कहिए, कसम अल्लाह की मैं आपसे वादा करता हूँ आपका साथ मिलूंगा, ये कहिए योगी जी के जो भी हत्यारा होगा, जो भी, उसको मिट्टी में मिला देंगे, कोई भी, चाहे वो संत हो, मुल्ला हो, मौलाना हो, कोई भी हो, मिट्टी में ही मिला देंगे। लेकिन क्या होता है ना, कुछ के घरों पे बुलडो चलता, कुछ के नहीं चलता, तो ये शंका पैदा होती है, मेरे दोस्त पैदा होती है। समान सबके लिए होना चाहिए, अगर सकता है तो सबके लिए, देश का कानून भी मेरे भैया कहता है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, आप इंसान हो, अगर आप इंसान जैसी दिक्कत बातें ना हो तो इंसान लायक हो तुम, इंसान जैसी बात ना हो तो बचपन से मैंने बहुत हर एक यहाँ तक कि हमने बर्तन मांझे लोगों के। असल में क्या था, 90 के 94 93 के दशक में क्या होता था पिछड़ा जमा मधे, आपने रामायण वगैरह देखते थे जो टीवी पे आती थी। असल में होता क्या था, हमारे साथ दुर्भाग्य था, हम पढ़ते थे मदरसे में, तो वहाँ छुट्टी होती थी शुक्रवार की, और रामायण जो आती थी वो आती थी इतवार को, तो ये तो बहुत डिफरेंट था मामला। तो हम हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना बनाना था, अच्छा। कम बच्चे खानी थी, हाँ। और हर हफ्ते कोई ना बहाना बहाना बना के भागना था रामायण देखने के लिए, बहाने मार के जाते थे। अरे कुटाई होती थी, कमर पे निशान पड़ते थे। ऐसा रामायण में क्या था कि आप देखने दिल मतलब ऐसा लगता था भाग के जाते थे कि एक 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 मतलब स्टोरी आपको प्रेरणा देती थी। और यहाँ तक के अभी क्या करो, हमने 90-92 दशक में क्या होता था कि लोग घरों में बैठी थी, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो लोग क्या करते थे, अपनी बैटरी चार्ज करके रखते थे, तो वो क्या बोलते थे, यकीन माना आपका नाम सर,
सोनवीर भाई, तो वे क्या बोलते रहे, हाँ भाई ये कूड़ा सफा करो, ये बर्तन मांजो हमारे, ये जो भैंस है कुट्टी डाल दो, तब तुम्हें देखने देंगे। अच्छा, तो वो सब भी हम करते थे भाई, देख सकते हैं अंसारी जी के अंदर एक कैसी इंसानियत है, एक भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक अच्छे नागरिक होने के नाते इनके अंदर ये इंसानियत थी कि उन्होंने राम जी के उस सीरियल को भी देखा जिसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम की जो पूरी जीवनी है वो दिखाई गई। इनके अंदर वो मर्यादा भी है कि जो एक इंसान है, इंसान में क्या मर्यादा होनी चाहिए, इंसानियत कैसे जागती है और इंसानियत होने के नाते क्या अच्छे काम करने चाहिए। ये मुस्लिम होने के नाते हर चीज़ का सपोर्ट करते हैं जो देश के अंदर होना चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो सभी के लिए गलत होनी चाहिए। तो अंसारी जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।